अगर किसी को ऐसा रहता है ना, मैं ये दोबारा बता दो दोबारा बता दो, ऐसे में सारी चीजें यहाँ को तीन चार बार बताती हूँ, दोबारा भी लिख दिया है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकती पूरा पूरा दोबारा बताया, क्लास खत्म हो गया कितनी बार मैं उसको देख सकती हूँ। ठीक है, चल अब आ जाते वोकैबुलरी पर। संडे स्ट्रक्चर पूरा फुल टू यहाँ खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत भी बचा था, और अब नेक्स्ट क्लास में पक्का पक्का टेस्ट हो जाएगा आपका, पक्का पक्का टेस्ट है वेंसडे। ठीक है, तो रिवाइज का क्या? हेलो एवरीवन, अनिशा हेयर। जैसा कि हमारा काफ़ी दिन से स्टडी में जो है गैप आ गया था, क्योंकि मैं वैष्णो देवी गई हुई थी, आपने जो है स्टोरी देखी होगी यूट्यूब पर, मैंने जो है पोस्ट भी डाली थी, जिसकी वजह से 3 से 4 दिन का जो है गैप आ गया है। अभी जो है आज फिर से हम स्टार्ट करेंगे नए स्टडी स्लॉट के साथ 9 बजे। अभी बजे हैं 8, तब तक जो है मैंने खाना रेडी किया है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने प्याज टमाटर कट किया एज़ यूज़ुअल जो मैं करती हूँ। ये राइस ही बनाए हैं मैंने आज भी, राइस और ये पिकल राइस, ये मेरे और मेरे भाई के, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ ही रहता है, बताया था मैंने आपको। ये दही है। अभी ये सब जो है खा के डिनर करके बर्तन साफ करूँगी, काम करूँगी सारा, उसके बाद जो है 9 बज जाएंगे इतने, फिर मिलते हैं आपसे नए स्टडी स्लॉट के साथ। आज थोड़ा देखते हैं जितना ज़्यादा कवर कर पाऊंगी मैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपने कितना कर लिया, कुछ स्टार्ट किया है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे जो है कमेंट ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। सो 9 बजे मिलते हैं, अभी 1 घंटा है आराम से। सो गाइज, 9 बज चुके हैं, अभी जो है मैं टाइमर सेट कर रही हूँ, आज का अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एज यू कैन सी आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टाइमर, टाइमर स्टार्ट हो गया है। सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू स्लॉट। पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश, देन हम पढ़ेंगे मैथ्स।
मिनट, ये आप देख सकते हैं 2 घंटे 40 मिनट। आज थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि मुझे रिवीजन नहीं करनी थी, और दूसरा जो है मेरा टारगेट जो था फ्रैक्शन कंप्लीट करने का था, जो कि कल जो है लास्ट जो भी क्लास मैंने ली थी उसमें मैक्सिमम सर ने करवा दिया था, तो आज कुछ ही क्वेश्चन करने थे, तो वो क्वेश्चन के हैं कुछ प्रीवियस ईयर के, मैं भी आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है। ये देखिए इंग्लिश में जो है, पहले तो मैं टाइमर को ऑफ कर देती हूँ, लेट मी ऑफ द टाइमर, पॉज रिसेट, ठीक है। ये देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारा जो है कुछ पार्ट रह गया था, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये रह गया था, तो ये आज कंप्लीट करवाया है मैम ने, ये आज मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए थे एग्ज़ाम में वो, और साथ में अब डेली जो है मैम वोकैब भी करवाएंगी, तो वोकैब में आपको सिनोनियम एंटोनियम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर स्पेलिंग्स या फिर आइटम्स एंड फ्रेजेस मिलते हैं, तो ये कोई भी हो हर एक पेपर में आते हैं, आप चाहे टीचिंग का या फिर सिंपल कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दो, तो उसके लिए ये आज 2 रूट वर्ड्स जो है मैम ने कराए हैं, जो कि मैंने शॉर्ट में वीडियो भी बना दिए साथ ही साथ, ताकि मुझे भी लर्न हो जाए और आपके लिए भी हेल्पफुल हो। अगर आपको अच्छा लगे तो डेली ये 2 ही वर्ड मैम करवाएंगे, 2 या 3 वर्ड, वो मैं आपको जो है शॉर्ट में डेली मिल ही जाएंगे, शॉर्ट में डेली मैं उसकी वीडियो पोस्ट कर दूंगी। उसके अलावा जो मैथ्स है, मैथ्स में मेरा थोड़ा सा फ्रैक्शन का पार्ट रह गया था, वो क्या था देखो, लाइक फ्रैक्शन था, डिफरेंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर ऊपर जो है बड़ी टर्म है नीचे स्मॉल है, ऊपर स्मॉल है नीचे बिग है, दोनों टर्म बिग है, तो किस तरह से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर निकालोगे, तो वो सब कुछ आज सर ने पढ़ाया था, वो क्वेश्चन आज मैंने किए हैं, तो आज बस यही फ्रैक्शन का पार्ट रह गया था और ज़्यादा नहीं था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, वो कैब आपको डेली मिल जाएगी शॉर्ट के थ्रू, तो आपके लिए भी इजी होगा। वो कैब वाली वीडियो तो ज़रूर देखना, 2 ही वर्ड होंगे आपकी, 1 मिनट नहीं लगनी, आधी सेकंड की वीडियो होती है बस, सॉरी हाफ मिनट की, तो आप देख सकते हैं। और आपने कुछ किया है या नहीं, DSSSP की तैयारी शुरू की है या नहीं की है, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, कुछ अच्छा और सब्जेक्ट हो कहीं से तो वो भी मुझे सजेस्ट करना। बाकी मेरे को अभी तक यही 2 इंग्लिश और मैथ्स मैंने स्टार्ट किया बताया था, ये मुझे यहीं से बेस्ट लगे, सब्जेक्ट मैं खुद से करूँगी। तो मिलते हैं कल फिर से एक न्यू स्लॉट के साथ, नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।